हाय गाइस नमस्कार, वेलकम है आप सबका फिर से हमारे इस ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर। और आप हमारे साथ बने हैं यूट्यूब चैनल पर, साथ में ये उम्मीद रखता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारे बुगनवेलिया जो कि हमने गमले पे लगा रखा है। इसे हमने एक बोनसाई का शेप देने वाले हैं, बट अभी आप देख सकते हैं इसकी सीजन आ चुकी है, तो जगह जगह से इसकी काफ़ी सारी ब्रांच डेवलप हुई है और उस ब्रांच पर काफ़ी सारे फ्लावर्स आना स्टार्ट कर चुकी है। फ्लावरिंग तो इसकी खूबसूरती लगती है, ब्यूटीफुल लगती है, बट इसके आप लीव्स भी देख सकते हैं काफ़ी शाइन करते हैं। तो कुछ इस तरह से आप भी बुगनवेलिया लगा सकते हैं। इसकी कई सारी स्पीशीज पाए जाते हैं, बट अभी आप जो हमारे पास देख रहे हैं ये हमारी देसी बुगनवेलिया है जो कि सड़क के किनारे अक्सर लगाया जाता है, जो कि बेल की सूरत में पूरी दीवार या कोई भी छत के ऊपर ये चढ़ जाती है और वहाँ पे पूरी तरह से फैला देती है और बिल्कुल फ्लावर्स ही फ्लावर्स उस पर नज़र आती है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये फ्लावरिंग होती है और इसमें कई कलर पाए जाते हैं, तो आप भी चाहें तो किसी भी कलर को आप लगा सकते हैं। एक बार लगाइए, ये आपके पास हर साल करीब 2 से 3 महीने तक फ्लावर्स इस तरह से आते रहेंगे और इसके कई कलर में आपको मिल जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं ये हमारे पास देसी बुगनवेलिया जो कि काफ़ी इसकी ब्रांचेस काफ़ी बढ़ चुकी है। अगर आप चाहते हैं इसकी छोटी सेफ वाली जो छोटी ड्राफ्ट की जो प्लांट्स होती है तो वो आप चाइनीज बुगनवेलिया ले सकते हैं, बट ये अभी आपके साथ मैं जो वीडियो लेके आया है उस पर काफ़ी सारी फ्लावरिंग भी हुई है और ये आप देख सकते हैं इस पर कोई भी फर्टिलाइज़र आपको ज़रूरत नहीं है इस्तेमाल करने की। बिल्कुल ये एक बार आप लगा दें और जो नॉर्मली हमारे घर में जो गोबर की खाद होती है उसे एक बार महीने में आप 2 बार 6-6 महीने में आप दे दें तो कुछ इस तरह से ग्रोथ भी होती है और विंटर सीजन आती ही आते इसके साथ पूरी फ्लावर्स भर जाती है, पूरी फ्लावरिंग भर जाती है और जो कि जो प्लांट्स है काफ़ी खूबसूरत बढ़ा देगी। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो हमारे पास बुगनवेलिया है उस पर काफ़ी फ्लावर्स आए, काफ़ी फ्लावरिंग आए, पूरी पौधे के ऊपर भर जाए, तो आप कुछ DFA के दाने दे सकते हैं। जैसे एक 18 इंच के गमले पे आप 7 से 8 दाने DFA के आप डाल सकते हैं, आप देखेंगे कि उसकी फ्लावरिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। थोड़ी सी हमें केयर करनी है कि इसकी मिट्टी को थोड़ी मॉइस्ट रखनी होगी, अधिक हमें पानी नहीं देनी है, बट इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट जो होती है बहुत अधिक होती है। अगर आप इसे फूल धूप पर रखेंगे तो इसकी ग्रोथ भी काफ़ी होगी और फ्लावरिंग भी साथ में भरपूर मात्रा में आएंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं, अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो चलिए मैं दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं ये खूबसूरती तो लीव्स के साथ साथ इसकी पत्तियाँ भी साइन करती है और फ्लावरिंग भी इसकी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इसकी कटिंग लगाने के लिए सबसे बेस्ट मौसम जो होती है रेनी सीजन के माना गया है, जो कि जुलाई से फर्स्ट महीने से आप इसे शुरू करें, जुलाई अगस्त सितंबर तक इसकी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही इजली तरीके से उस मौसम में ये ग्रोथ कर लेती है। अगर आप चाहें तो पूरे साल इसकी कटिंग लगा सकते हैं, बट आपको थोड़ी सी ग्रीन हाउस के अंदर में रखना पड़ेगा। इसे एक आइडियल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जैसे एक ऐसी इन्वायरमेंट इसे पे पनपते हैं जैसे कि ये थोड़ी सी हीट और थोड़ी सी नम वाले इलाके में बहुत ही तेज़ी से ये ग्रोथ कर जाती है। तो अगर आप किसी भी महीने, अगर आप नवंबर या दिसंबर के महीने में आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो आपको इसे किसी प्लास्टिक के माध्यम से बंद करके आपको थोड़ी सी ग्रीन हाउस जो होती है ना प्लास्टिक की, जैसे उस छोटी सी ग्रीन हाउस पर आप इसे रखने पड़ेगी, तभी जाके इसकी ग्रोथ हो पाएगी। अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं, इसका सक्सेसफुल रिजल्ट आप देखना चाहते हैं तो रेनी सीजन में आप लगाएं, सक्सेसफुली से इसका रेट वहाँ जो बरसात के मौसम में होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। दूसरा जो बेस्ट मौसम है वो बाहर के दिनों में है, फरवरी मार्च से इसकी कटिंग आप लगाएं, उस समय भी इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। फ्रेंड्स, इसकी कटिंग लगाने के लिए आपको बेस्ट जो स्टिक लेनी है लगभग 8 इंच की लेनी है और आप मिट्टी के अंदर 3 इंच आप मिट्टी के अंदर दबा दें, जिससे आप देखेंगे लगभग 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर में उसके नए नए रूट डेवलप हो जाएगी। देन आप उसे किसी भी पोर्ट पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पिछले हमने 2 महीने पहले इसकी कटिंग लगाई थी, तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने 6 इंच के करीबन हमने इसकी स्टिक को ली थी और एक डिस्पोजल गिलास में हमने लगाई थी, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से इसकी रूट डेवलप हुई है जगह जगह से और ये एक पौधा तैयार हमारा यहीं पर हो चुका है। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो चुकी है, बट ये आप देख सकते छोटी सी ही मेरे पास प्लांट्स है जो कि इस पर अभी भी फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप छोटी स्टिक इसे ले सकते हैं, छोटा सा कलम लगा सकते हैं, बहुत ही इजीली तरीके से लग सकती है। इसकी कटिंग आप अगर लगाना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल के माध्यम से एक वीडियो इसकी बनाई है, आप उसे पूरी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये वीडियो सिर्फ हमने आपने ये दिखाना था कि आप देख सकते हैं कि हमारे बुगनवेलिया पे कितनी अच्छी फ्लावरिंग आ चुकी है और कुछ इसकी लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है दोस्तों, बिल्कुल इजी टू केयर है, बहुत ही आसानी से इसे अधिक आपको केयर नहीं करनी है, बस सारी जो पानी का खास प्रॉपर ख्याल हमें रखना है, मिट्टी को मॉइस्ट रखे और कुछ आपके गार्डन को खूबसूरती आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़ा देगी।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे और चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में बेल आइकन घंटी आपको दिख रही होगी उसे प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। तो चलिए अभी मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ले गुड बाय एंड सी यू।